तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए गदर 2 का चर्चा है हर तरफ और आप देख सकते हैं कि ये रौनक भाई हैं, आरजे रौनक, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जो कि बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है इनका। और यहाँ देखिए हर तरफ गदर का चर्चा है ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पठान को छोड़ा पीछे, तो जो कि कोई हैरत की बात नहीं है। पठान को ये मूवी पीछे छोड़ सकती है और मैं सही बताऊं तो पठान मैंने भी देखी है, उतने कुछ खास मुझे नहीं लगा, नहीं लगी पठान देखना। मुझे एवरेज फिल्म थी, जैसे कि सलमान खान की फिल्में होती हैं ठीक है वैसे ही, है ना। और ये देखिए गदर 2 फिल्म पे सबसे बड़ा बवाल, पाकिस्तानियों को खुली चुनौती। ये OMG के भी साथ साथ आ रहे हैं, OMG का रिव्यू मैंने किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ देखिए हर तरफ गदर ही छाई हुई है। और ये भाई हैं, ये भी अच्छा करते हैं और फिल्म रिव्यू वगैरह, तो ये भी कुछ बता ही रहे होंगे, आप चाहें तो इन सब के वीडियोस देख सकते हैं। मुझे हैरत तब हुई जब मैंने आज सुबह आज तक का ये आर्टिकल देखा। आप पहले तो यहाँ इसकी हेडलाइन देखिए, गदर 2 पब्लिक रिव्यू, 22 साल बाद आकर क्या गदर मचा सके सनी देओल, पढ़ें पब्लिक रिएक्शन। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल आज मैं थोड़ा लेट उठा सो के, और मैंने जब कंप्यूटर ऑन किया, और मैं आदत है मेरी, मैं सुबह एक बार आज तक को वेबसाइट को खोलता हूँ न्यूज़ वगैरह देखने के लिए, भाई कुछ बड़ी न्यूज़ तो नहीं आई है। तो भाई हुआ क्या, मैं सरप्राइज हो गया, इन्होंने इसी आर्टिकल की हेडलाइन चेंज कर दी, वरना सुबह कुछ और ही लिखा था। इसमें साफ उन्होंने क्या रखा था कि भाई गदर 2 मतलब फीकी रही। अब आप इसको पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। गदर 2 की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे फैंस को बड़ा झटका लगा है, लगता है, यहाँ लिखा है लगता है, क्योंकि मच अवेटेड फिल्म गदर 2 ने आपका मूड ख़राब करने की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर आप सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो उससे पहले सोशल मीडिया और क्रिटिक्स रिएक्शन ज़रूर जान लीजिए। भाई आप जितने भी अभी मैंने पहले वीडियो दिखाए आपको, आप सारे वीडियोस देख लीजिए, कहीं किसी भी वीडियो में पब्लिक ने इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दो, उन्हीं वीडियोज़ में, किसी भी वीडियोज़ में पब्लिक ने ये नहीं कहा कि मूवी में जरा सा भी कुछ कमी है, है ना, इतनी सी भी कोई कमी नहीं बता रहा है मूवी में। लेकिन आज तक का ये आर्टिकल, मूवी को मैंने तो अभी देखी नहीं है तो मैं वैसा नहीं बोल, अपना ओपिनियन तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ गदर 2 को लेकर एक यूज़र लिखता है, फिल्म बैकडेटेड है जो काफ़ी ज़्यादा 90s की फील देती है। एक्शन, इमोशन, परफॉर्मेंस सभी लिमिट से बाहर हैं, ये मूवी मजाक है। उत्कर्ष शर्मा को फिर से लॉन्च करना फेलियर साबित हुआ है। तो मैं एक्चुअली अपना ओपिनियन, अपनी राय इस टिप्पणी पर रखना चाहूँगा कि जो गदर पहली वाली थी ना, वो भी पार्टीशन के ईरा की फिल्म थी, है ना, तो अगर ये 90s की फील देती है तो मतलब मैंने नहीं देखी तो मैं पूरी तरह से गलत तो नहीं कहूँगा, नहीं मतलब अभी से मैं गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन ये फिल्म कोई आज के दौर की, जो अब गदर 2 जो आई है, ये आज के दौर की कोई 2023 की कहानी नहीं है। इसमें भी बताया गया है कि ये करीब 70s की कहानी है, है ना, तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म की जो कथानक है वो उसी टाइम का है। ठीक है जी, विजुअल्स भयानक हैं, डायलॉग अच्छे हैं। कई लोगों को फिल्म देखकर सिरदर्द हुआ। यूज़र्स का कहना है कि अनिल शर्मा ने काफ़ी ओल्ड स्टाइल फिल्म बनाई है। तो मैं पहले हैरत में था कि भाई आज तक वालों ने वो आर्टिकल शायद हटा लिया क्योंकि पब्लिक के धमाकेदार रिव्यू मिल रहे हैं, है ना। ये इसमें देखिए, यहाँ देखिए लिखा है नेगेटिव रिव्यू के बीच एक यूज़र ऐसा मिला है जिसे सनी की फिल्म गदर 2 पसंद आई है। भाई एक नहीं है, तमाम है, आप चेक तो करो, है ना। और देखो ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, न्यूज़ ऑफ बॉलीवुड करके कोई ट्विटर हैंडल है, आज तक ने इसको एम्बेड किया अपनी स्टोरी में। जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग फिल्म गदर 2 एट मॉरिशस सेंसर बोर्ड ऑफिस, है ना, ये भाई साहब ने मॉरिशस सेंसर बोर्ड, मॉरिशस का जो सेंसर बोर्ड ऑफिस है वहाँ देखी होगी। इट्स अ वेरी बैड फिल्म, फुल हेडेक, बहुत बुरी फिल्म में सरदर्द है। अनिल शर्मा इज़ 90s डायरेक्टर, and he has made an old style film like 90s only. We give 1 star to this bad film. ये 1 स्टार दे रहे हैं। तो भाई अगर आप जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप देख चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या ये गदर 2 वाकई में ना 1 स्टार के लायक है, क्योंकि भैया अगर आप लोगों के कमेंट में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं ये फ़िल्म देखने जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। मेरे पास पैसे की शॉर्टेज होती है भाई, और मैं ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन अगर अच्छी फिल्म है तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। आप लोग प्लीज़ बताइए। हालांकि जो भाई मैं पब्लिक रिव्यू देख रहा हूँ तमाम यूट्यूब चैनलों पर, यूट्यूब पर जो देख रहा हूँ मैं, ये हम क्या कहते हैं, उससे तो लग रहा है कि फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त है ना। ये देखिए, हैवीली बैकडेटेड मूवी विद द 90s फील, एक्शन, इमोशन, परफॉर्मेंस ऑल आउट ऑफ लिमिट्स। ये भी 1 स्टार दे रहे हैं। दिस मूवी एज अ जोक, मतलब मूवी को इन्होंने तो जोक ही बता दिया है ना। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं उत्कर्ष शर्मा फेल्ड वंस, लॉन्चिंग ऑफ उत्कर्ष शर्मा फेल्ड वंस अगेन। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि जो अनिल शर्मा जी हैं डायरेक्टर साहब, उन्होंने अपने बेटे को का एक लॉन्च पैड बनाया। इसे एक बार पहले भी वो लॉन्च कर चुके हैं इन्हें। मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मूवी कुछ खास नहीं रही थी। ठीक है जी। और ये देखिए सनी देओल साहब को अब क्या कहते हैं, ये एक तारा सिंह, सनी देओल के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं। मैंने भी ट्विटर पे ने कई बार देखा है, क्योंकि मैं ट्विटर अक्सर स्क्रॉल करता हूँ, मुझे बहुत सारी जानकारियाँ सिनेमा से जुड़ी हुई ट्विटर से ही मिलती हैं। तो गदर 2 इज़ द मेसिएस्ट फिल्म फ्रॉम बॉलीवुड इन द लास्ट 10 ईयर्स, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस। तो खैर ये तो फ़ैन है तो जाहिर सी बात है तारीफ़ ही करेंगे। और मैं सही बताऊँ तो अंदर से फीलिंग तो मुझे भी यही आ रही है कि गदर भाई अच्छी फिल्म होगी, धमाका मचाया हुआ फिल्म ने। बाकी भाई ये लोग हैं तो क्या ही कहें। और ये देखिए, हाँ एक मैं ट्वीट आपको दिखाना चाह रहा था, एक आखिरी ट्वीट, बॉलीवुड की न्यूज़, जस्ट नाउ वॉच्ड फिल्म गदर 2 एट सिंगापुर सेंसर बोर्ड ऑफिस। तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए दिखाया था एक बंदे का, उसने मॉरिशस के सेंसर बोर्ड ऑफिस में देखी थी। ये कोई है, इन्होंने सिंगापुर के सेंसर बोर्ड ऑफिस में देखी। और सेम इनका भी है कि भाई 90s की फिल्म लग रही है। और इन्होंने कहा कि 2023 की सबसे बकवास फिल्म है, और ये भी 1 स्टार दे रहे हैं। तो ये बड़ी हैरत की बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 जो लोग भी उस फिल्म को गदर को देख चुके हैं, प्लीज़ यार ज़रा मुझे भी कमेंट करके बताना कि क्या वाकई में देखने लायक है कि नहीं। भाई वैसे भी आजकल जो है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है, तो पैसे की तो शॉर्टेज चल रही है। प्लीज़ यार थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। मुझे भी मेहनत लगती है, मैं जानता हूँ, कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली न्यू एडिटिंग का मेरे से नहीं होता, लेकिन जानकारी मैं आपको ऑथेंटिक ही देता हूँ। आप देख सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि एडवांस बुकिंग में सिर्फ नेशनल चेन्स में ही सनी देओल की फिल्म गदर ने 2,80,000 गदर के मतलब ज़्यादा 2,80,000 से ज़्यादा टिकट बुक हो चुके हैं। भैया तो गदर तो धमाल मचा रही है। हमें नहीं लगता कि ये फ़िल्म कोई फ्लॉप जाने वाली फ़िल्म है। बाकी हाँ, मैं अगर देखूँगा तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन रखूँगा ज़रूर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी फ़िल्में लोगों को पसंद आ रही होती हैं, लेकिन असल में वो अच्छी नहीं होती हैं। जैसा कि पठान है ना, पठान का बहुत क्रेज़ था और मैं लगभग जाने ही वाला था, पर मैं फिर आप कहेंगे कि बार बार पैसों का रोना, तो लेकिन पैसों का रोना है तो है, पैसों का रोने की वजह से, पैसे की कमी की वजह से मैं नहीं देख पाया। बाद में मैंने एक दोस्त के साथ जाकर देखी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद गए। भैया मुझे भी नहीं पसंद आई, मेरे उस दोस्त को बहुत पसंद आई थी। तो खैर साथियों, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपने अगर गदर 2 देखी है तो आपको ये कैसी लगी, और ताकि मैं भी इस फिल्म को थिएटर में जाकर देख सकूं, क्योंकि ऐसी फिल्में थिएटर में देखने का ही मज़ा है, वैसे कोई मज़ा नहीं है। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ये तो फिल्मों का रिव्यू वगैरह तो हम प्लान कर रहे हैं। मैं आगे जाकर भविष्य में मैं खुद भी पब्लिक ओपिनियन लिया करूँगा, पब्लिक के रिव्यू लिया करूँगा, पब्लिक का फीडबैक डायरेक्ट आपको दिखाऊँगा मैं, किसी भी मूवी से जुड़ा हुआ। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी अपकमिंग कुछ फिल्में आने वाली हैं नेक्स्ट वीक, तो थोड़ा सा भी हेजिटेशन होती है। मैंने कभी बहुत वक्त हो गया मुझे बात कर किए हुए, वैसे मैंने फील्ड में काम किया है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया, और अब तो मुझे करीब 3-4 साल हो गए, तो खैर क्या ही कहने। तो बायोग्राफीज़ हम बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ देते हैं, किससे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बताते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने में एक तो पैसा नहीं लगता कोई भी, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, और आपकी तरफ से जो आपका छोटा सा जो ये प्यार है, थोड़ा सा प्यार हमें भी मिल जाता है और हमारा थोड़ा सा इससे फ़ायदा हो जाता है। नमस्ते, बाय बाय।